छात्र संघ आईसा ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परिषद में बैठक किया। ना वहाँ मतलब कि बिजली की सुविधा है, नल की सुविधा है, ना वहाँ पत्रिका वगैरह आता है, कहीं कुछ नहीं आता है। चापा का लेकिन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। कल्याण विभाग में हम लोग गए तो बोले कि बनवाओ, बनवाने के बाद रसीद लाओ, फिर बगल में सभी 70-75 लोग हैं मेरे सारे स्टूडेंट। हाँ, आई की बैठक है जिसमें हम लोग इस यूनिवर्सिटी में जो ढहती हुई व्यवस्था है उसके ऊपर आने वाले दिनों में और तेज छात्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हो कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को लंबे प्रयास के बाद केंद्र सरकार की नीतियों ने और बिहार में जो नीतीश कुमार की नीतियाँ हैं एजुकेशन को लेकर के, उन दोनों ने मिलकर के क्रमशः ख़त्म किया। एक तरफ पूरे यूनिवर्सिटी का सत्र लेट चल रहा है, अधिकांश कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कोई क्लासेस नहीं चलती हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स के नाम पे फीस बढ़ रहा है, छात्रावास की सुविधा नहीं है और जहाँ पे छात्रावास है वो बदहाली की स्थिति से गुजर रहा है। और ये तमाम सारी बातें न उठ पाएँ, छात्र इस पर आंदोलन न खड़ा कर पाए, इसलिए सरकार ने शुरुआत से ही यहाँ पर छात्र संघ चुनाव को भी रोक के रखा हुआ है। हाल ही में आयशा ने विभिन्न, तो हम लोगों ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका है, क्योंकि लोग रियलाइज़ कर रहे हैं अपने आप, अपना जो उनका छात्र और युवाओं का जो अपना संकट है कि उन्हें शिक्षा से महरूम कर दिया जा रहा है, रोजगार के तमाम सारे जो वैकेंसीज हो सकते हैं वो सब रोके हुए हैं, तो लोग अपने आप को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे। इसके चलते हम लोग को जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पर छात्रों का भारी समर्थन और युवाओं का भारी समर्थन मिला। जब तक भवन नहीं तब तक सड़क पे स्कूल आयशा के द्वारा कार्यक्रम गया, फिर भी अभी बिहार में इतने सारे भवनहीन विद्यालय हैं जी, तो मतलब आंदोलन के विद्यालय भी हैं और साथ ही साथ सरकार जो है वो सरकारी विद्यालयों को, सरकारी स्कूलों को बेच भी रही है, ख़त्म भी कर रही है। तो ये तो सरकारी शिक्षा के ऊपर, माने शिक्षा सरकार दे, सरकार इस जिम्मेदारी से ही पीछे हटना चाह रही है फिलहाल। तो हम लोगों ने जो सड़क पर स्कूल चलाया उसमें हमने कहा कि अगर स्थितियाँ प्रति अनुकूल नहीं होगी हमारे, तब हम एक अल्टरनेटिव के रूप में हमने सरकार को चैलेंज किया। आने वाले दिनों में उस मॉडल पे हम लोग और भी तेज आंदोलन करेंगे। सड़क पर स्कूल अभी बिहार के तमाम सारे जगहों पे और भी लगेगा। निजी विद्यालयों की तुलना में जो सरकारी विद्यालय हैं उसकी जो स्थिति है वो एकदम बदतर है, कैसे सुधार किया जा सकता है? ये सरकार को इसके एकदम जेन्युइन एक डिमांड हम लोगों ने इसमें रखा है कि सरकार कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करे और उसमें जो एक प्रावधान हो कि आप अपने घर से सबसे नज़दीकी स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ताकि जो अमीर के बच्चे जहाँ पढ़े वहीं गरीब के बच्चे पढ़ने लगे और सरकार शिक्षा व्यवस्था को अपने अंडर में ले, निजीकरण को वहाँ से बाहर धकेले। ये एकमात्र सुविधा, एकमात्र रास्ता यही है बिहार में एजुकेशन को ठीक करने का। लेकिन अभी जितना सरकार के पास जितने अंडर में सरकारी भी सरकार के ऊपर सरकार नहीं चला पा रही, ऐसा सरकार की मंशा है और नहीं चला पा रही ऐसी बात नहीं है। सरकार चलाना नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि देश के जो गरीब लोग हैं, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें, इसलिए जानबूझ करके सरकारी स्कूल को खराब किया जाता है। बिहार के बजट का 12% सिर्फ शिक्षा के नाम पे जाता है, लगभग 550 करोड़ रुपए हैं, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है मेरे ख्याल से, ये जो 12% वाला बजट वाला आपका आंकड़ा है वो सही नहीं है। केंद्र सरकार का, बिहार सरकार जितना भी एजुकेशन पे खर्च करती है बाकी राज्यों में तो उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा खर्च होता है। अब आप देखिए केंद्र सरकार का ही जो बजट पे खर्च है वो 3% के आसपास है और वो नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए। मैं बिहार सर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो 545 करोड़ रुपए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 12% ही है। ये पूरे बजट का 12% नहीं होगा मेरे ख्याल से जो भी है इसमें, लेकिन ये बात साफ है कि बिहार सरकार फंड कटौती जबरदस्त तरीके से कर रही है, जिसके चलते आप जानते हो कि जो स्कॉलरशिप मिलते थे स्टूडेंट्स को उसमें 85% तक का कटौती हो गया। तो अगर बजट इतना ज़्यादा दे रही होती सरकार तो बजट महासचिव।